देशद्रोहियों ने मेरी मां मुझसे छीन ली, लेकिन मैंने संकल्प किया कि मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा, मैं उन्हें देश हमसे नहीं छीनने देंगे। अगर इंदिरा जी ने, अगर मेरी मां ने मुझे कुछ सिखाया तो मुझे ये सिखाया था कि देश के लिए कोई भी कुर्बानी कम नहीं है। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को इंडियन हिस्ट्री का सबसे ज्यादा वोट मिला और राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। इंदिरा जी ने कोई ऐसा कदम नहीं किया, कोई ऐसा कदम छोड़ा नहीं जिससे भारत मजबूत हो। उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कोई भी ऐसी शक्ति को मौका मिला भारत कमजोर करने वाली शक्तियों को ऊपर उठने का। लेकिन इंदिरा जी को भी फिरकाप्रस्ती के ताकतों के सामने अपना बलिदान देना पड़ा। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तब उनकी उम्र महज 40 साल की थी। यही वजह है कि राजीव गांधी को भारतीय इतिहास का सबसे युवा प्रधानमंत्री कहा जाता है। गांधी जी की हत्या हुई सांप्रदायिकता की शक्तियों से। हमें ये बहुत ध्यान से याद रखना है कि सांप्रदायिक शक्तियों ने गांधी जी की हत्या करी, लेकिन उनका मकसद खाली गांधी जी की हत्या नहीं थी। उनका मकसद था कि नया आजाद भारत अपने पैरों पर खड़े होने के पहले ठोकर खा जाए, गिर जाए, टूट जाए, खत्म हो जाए। जिस तरह से गांधी जी की हत्या के साथ एक कोशिश थी कि हमारा भारत टूट जाए, उसी तरह से इंदिरा जी की हत्या के साथ एक कोशिश थी कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाए। राजीव गांधी को राजनीति में आने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जब छोटे भाई संजय गांधी की हवाई दुर्घटना में मौत हुई तब इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी पर राजनीति में आने का दबाव बनाया। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के अल्पसंख्यकों को, जिन्होंने भारत बनाने में अपना हाथ जोड़ा है, भारत को मजबूत किया है, भारत को विकास और तरक्की के रास्ते पर चलाया है। आज मौका है कि हम भारत को वैसा ही महान भारत बनाएं जैसा भारत था गुलामी के पहले। गुलामी के पहले दुनिया के कोने कोने से भारत की खोज में लोग आते थे, भारत की धन ढूंढने के लिए, भारत की दौलत लेने के लिए, भारत का विज्ञान और ज्ञान पाने के लिए। पहले देश में वोट देने के लिए 21 साल होने का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन राजीव गांधी ने संविधान में बदलाव किया और अब देश का कोई भी शख्स 18 साल के बाद वोट दे सकता है। पिछले साल हमने महिलाओं के हाथ मजबूत करने के लिए दहेज विरोधी कानून को बहुत मजबूत किया था, और हमने देखा है कि जब से वो कानून मजबूत हुआ, दहेज के वजह से जो लड़कियां मारी जाती थी वो एकदम कम हो गया है, हत्या कम हो गई है। हमारी उम्मीद है कि इसी तरह से हम महिलाओं की ताकत और बहुत ज्यादा बढ़ा पाए। राजीव गांधी के कार्यकाल में उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। आरोप का असर इतना भारी था कि अगले चुनाव में राजीव गांधी को हार का सामना करना पड़ा। पागलपन है कि हम और हथियार बनाते जाएं, जब आज के हथियारों से पूरी दुनिया 50 बार खत्म हो सकती है। पागलपन है जब आज दुनिया में 1.5-2 करोड़ हर मिनट खर्चे जाते हैं हथियार की दौड़ में, जब उसका एक छोटा सा भाग भी अगर हम ले सकते तो हम कितनी गरीबी, कितनी बीमारी, कितनी बेकारी हटा सकते थे। 21 मई 1991 को महज 46 साल की उम्र में
एक बम धमाके से राजीव गांधी की मृत्यु हो गई। आज इंदिरा जी को यहाँ होना था, लेकिन हमारे हाथ से वो छिन गई। आपने मुझे ये जिम्मेवारी दी है। जब कोई बड़ा नेता गिरता है, जैसे गांधी जी, जैसे इंदिरा जी, तब दुनिया के कोने कोने में उसका असर होता है। इंदिरा जी खाली भारत की नेता नहीं थी, पूरी दुनिया मान रही थी कि इंदिरा जी दुनिया के गरीबों की नेता थी। पूरा देश गांधी जी को अपने दिल से प्यार करता था। एक ऐसा संबंध था भारत की जनता और गांधी जी के बीच में, इतना गहरा संबंध था, इतने मजबूत संबंध था कि उसके बारे में कुछ शब्द कहने बड़े मुश्किल हैं। लेकिन तब भी कुछ ऐसे लोग हमारे बीच में थे जिन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी। राजीव गांधी ही वह शख्स हैं जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। भारत में कंप्यूटर और टेलीकॉम इंडस्ट्री को बढ़ावा राजीव गांधी ने ही दिया था। सबसे बड़ी चुनौती हमारे आपस के झगड़े, चाहे धर्म, चाहे जात, चाहे प्रांतवाद या भाषावाद पर हो, हमें देखना है कि ये झगड़े बढ़कर उग्रता पर नहीं पहुंच जाएं। हमें देखना है कि ये झगड़े हमारे लोकतंत्र के जड़ को कमजोर नहीं करें। ऐसे झगड़े भारत को कमजोर करते हैं, भारत के विकास को धीमे करते हैं। खास हमें देखना है कि सबका ध्यान खाली सरकारी नौकरियों पर नहीं आए, बल्कि इन दूसरी जगहों पर भी जाए। पंडित जी ने इसी लाल किले से हमें याद दिलाया था गांधी जी के उन शब्दों का कि जब तक भारत के हर व्यक्ति के आंसू हम नहीं पहुंच सकेंगे, तब तक हम आराम नहीं कर सकेंगे। आज भी हर आंसू को हम पहुंच नहीं पाए हैं, आज भी आराम का समय नहीं है, बहुत काम करना है, बहुत संघर्ष है, बहुत कुर्बानियों की ज़रूरत है। गौरव के साथ हम दुनिया को दिखाएंगे कि भारत को पीछे कोई रख नहीं सकता है, अब भारत आगे बढ़ रहा है विकास के रास्ते पर, शक्ति के रास्ते पर। ज़रा ज़ोर से तो बोलिए मेरे साथ, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद।